अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो सोचते होंगे कि आप स्वस्थ होकर घर लौटेंगे, लेकिन उसी अस्पताल में अगर खाने में छिपकली दे दी जाए तो हैरान हो गए ना आप कि मरीजों के साथ ऐसा कौन मजाक कर सकता है। लेकिन अंबेडकर नगर के एक हॉस्पिटल में मरीजों को खाने में छिपकली मिली तो हड़कंप मच गया। अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ऐसी ही बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के खाने में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। सब्जी थी, सब्जी में छिपकली थी, हम खाना खाने के लिए निकाले प्लेट में, उसमें निकली मरी हुई छिपकली। मेडिकल कॉलेज के ऐसे घिनौने और जानलेवा मजाक को वहां मौजूद मरीजों और तीमारदारों ने छिपकली वाली खाने की प्लेट को कैमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत भी की, लेकिन लापरवाही पर एक्शन लेने की जगह मेडिकल कॉलेज प्रशासन मामले की लीपापोती में जुट गया है। बुलाया और असल में वो छिपकली खाने में नहीं थी, खाने में बनाए समय नहीं थी, वो ऊपर से गिरी हुई थी। उसके पर ना कोई जरा सा भी चोट था छिपकली की, ना जरा सा जो है उस छिपकली के ऊपर कोई जला हुआ ऐसा कि जल के या फ्राई हुई हो। हालांकि मामले में लीपापोती के बीच प्रिंसिपल ने कहा कि खाना बांटने वालों को हटा दिया गया है, बाकी की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी। उधर मामले को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी स्वास्थ्य मंत्री को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि अंबेडकर नगर के अस्पताल में खाने में छिपकली निकलने का समाचार अति गंभीर विषय है। चिकित्सा लोगों के जीवन को बचाने के लिए होती है, उनके जीवन को खतरे में डालने के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हों तो ध्यान दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।